Subscribe and click the bell icon for all the television updates. पिछले हफ्ते द कपिल शर्मा शो में भारत को प्रमोट करने पहुंचे कटरीना कैफ और सलमान खान, पर सुनील ग्रोवर भारत का हिस्सा होने के बाद भी नहीं गए शो पर। इस बात पर जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं आए वो शो पर, तो उन्होंने बस इतना कहा, आई डिडंट फील लाइक गोइंग देयर सो आई डिडंट गो। हालांकि सबको ये लग रहा था कि सुनील और कपिल की लड़ाई हो गई है सॉल्व, क्योंकि दोनों ने कई बार किया है एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ग्रीट, पर लगता है दिलों में कड़वाहट अभी भी बाकी है। सुनील के शब्दों को कोट करे तो, मेरा जाना कुछ ऐसा जरूरी भी नहीं था। जिस फिल्म में सलमान खान है, कटरीना कैफ है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रमोशन के लिए और किसी एलिमेंट की जरूरत है, और मेरा मन नहीं किया जाने का, तो मैं नहीं गया। इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर बिकॉज इफ यू हैव सलमान खान एंड कटरीना कैफ प्रमोटिंग अ फिल्म, यू डोंट नीड एनी अदर एलिमेंट। ऑल्सो आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग देयर सो आई डिड नॉट गो। सुनील ने आगे कपिल के साथ फिर से काम करने पर कहा, Lot of time, destiny plays a part in deciding how much would your presence be in a certain project. It is all related to destiny. A lot of things happened, lot of beautiful things happened too. I got a lot of love and recognition working with him, and I would always remember that. If it is written in my destiny, I would work with him again. इस पूरे माजरे के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं और टेलीविजन की दुनिया का हर अपडेट पाते रहने के लिए देखते रहिए टेली मसाला।